मेरा नाम आकांक्षा उपाध्याय है। मेरे ही भाई को नाले में फेंक के मार दिया। मार के नाले में फेंक दिया। ये मेरी भाभी है, इसके बच्चे छोटे छोटे, जिस किसी ने भी मेरे भाई को मारा है, सात आठ से कुछ उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी थी। उसके बहुत चोटें आई। ये मेरा नाम हर्षित उपाध्याय है और जो मृत अवस्था में पाया गया वो मेरा भाई था, सौरव उपाध्याय। ये श्याम कॉलोनी नाले पे लगता है, GSM स्कूल के पास दामोदरपुरम में। ये हमारा ये किराएदार से विवाद चल रहा था, ये इसका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। 11 माह का एग्रीमेंट था, ये एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। इसके बाद ये मकान खाली नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ की सूचना हमने थाने वगैरह सब में दी थी। अच्छा, इससे पूर्व हमारे भाई को इसने मारा था। इस तरीके का मेडिकल के लिए हम गए, उसे मारा गया था बहुत बेदर्दी से। जब हम मेडिकल के लिए गए थाने में, तो थाने में मेडिकल नहीं हुआ, मेडिकल के लिए कोई लेके नहीं गया। 24 घंटे उसे बैठा ले रखा थाने में, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। किस थाने में बात है? सुभाष नगर थाने की बात है। उस टाइम सुभाष यादव यहाँ के चौकी इंचार्ज थे, तब की घटना आई है। उसके बाद भी दोबारा हमला हुआ, तब भी सुभाष यादव थे, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसकी हमने लिखित सूचना अधिकारियों को भी करी थी, जिसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और अभी 3 तारीख से हमारा भाई लापता था। शाम को 5:30 बजे से यहाँ से गया था घर से, उसके बाद से इसका कुछ पता नहीं चल रहा था। लापता होने पर आपने कोई? जी, थाने में मैंने करवाई थी। 4 तारीख को मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, तो सर्विलेंस को लेकर मैंने कही थी कि इसका नंबर है, आप सर्विलेंस पर लगाइए ताकि इसका बेहतर पता चल सके कहाँ पर है ये व्यक्ति। तो सर्विलेंस के को लेके ये अभी तक कुछ पता नहीं चला। कल की घटना है, शाम को 5 बजे उसकी डेड बॉडी मिली है नाले में। उससे पहले तक कोई सर्विलेंस का कोई ब्यौरा दिया ही नहीं जा रहा था। जिससे पूछ रहे, कोई कह रहा कि IG साहब के पास कह रहा है, कोई CO के पास कह रहा है, कोई कप्तान साहब के पास गई है, अभी हो रहा तभी हो रहा है। ये पूरे 4 तारीख से आप अंदाजा लगा लिए, 4 तारीख से 10 तारीख तक 6 दिन हो जाते हैं, 6-7 दिन हो जाते हैं। और जो आपकी रजिस्ट्रेशन चल रही थी वो किस मामले को लेकर किससे चल रही थी? ये जिम संचालक हैं आदेश कुमार वाजपेयी, इनसे विवाद चल रहा था। इसमें इन्होंने पहले भी इस पर हमला वगैरह हुआ है हमारे भाई को, तो वो हमें बताता था कि मेरे पे हमला हुआ है, इस व्यक्ति ने किया है। वो मेडिकल करवाने भी गया था, एक बार हम भी गए थे, एक बार हमारे फादर और उनकी मिसिज भी गई थी, हमारी भाभी भी गई थी, लेकिन मेडिकल नहीं होने पाया उनका, किसी भी तरीके से मेडिकल नहीं करवाया गया और कोई कार्रवाई नहीं करी गई, उचित कार्रवाई। अधिकारियों तक गई लेकिन उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। थाने ने हमें बुलाना ज़रूरी नहीं समझा। तो अब आप क्या करना चाहेंगे मामले को, मतलब तहकीकात के लिए? सर, हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जाँच होए, और हमें सुभाष नगर थाने से उम्मीद नहीं है कि ये कोई निष्पक्ष जाँच कराने में हमारा सहयोग करेंगे, क्योंकि हमने पिछले 6 महीने से निरंतर कार्रवाई कर रहे, इसके खिलाफ अधिकारियों से मिले, थाने में गए, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ और दरकिनार इसके ये हादसा अब घटित हुआ है।